दोस्तों, आज देखते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को जिम पे कैसे अपलोड किया जाए। अगर आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है, इसके बावजूद भी कैसे आप अपने प्रोडक्ट को जिम पर रजिस्टर कर सकते हैं और जिम से काफ़ी अच्छा ऑर्डर ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कैसे शुरू करें। सबसे पहले हम आपके पास जो भी ब्राउज़र अवेलेबल है, जैसे गूगल क्रोम हो, फायरफॉक्स हो या विंडो एक्सप्लोरर हो, कोई सा भी ब्राउज़र खोल लें। जैसे कि मेरे पास गूगल क्रोम भी है और सारे भी मैंने गूगल क्रोम पे करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने गूगल क्रोम का ब्राउज़र खोल लिया। इस पे आप सिंपल सा, जैसा कि आप सब जानते हैं, जिम का वेबसाइट टाइप कर दीजिए, जैसे कि मैंने कर रखा। एज अ सेलर हमें लॉगिन करना है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हुआ है, स्क्रीन आपके सामने है। ये मेरा लॉगिन मनोहर के नाम से है, ठीक है। अब सवाल आता है कि कोई भी प्रोडक्ट को हम इसमें कैसे ऐड करें। तो एक तो तरीका है कि मैन्युअली आप जाएं ऐड ऑफरिंग में, और इसके बाद एक एक करके जो भी प्रोडक्ट्स आपके हैं यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है उसको सर्च कर सकते हैं। नहीं तो एक और शॉर्टकट मेथड है जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट्स को इस पर ऐड कर सकते हैं। उसमें आपको ऑथराइजेशन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और वो ये है कि आप सिंपली मार्केट में क्लिक करेंगे, या तो आपको अगर कैटेगरी पता है तो इस ऑल कैटेगरीज के सामने उस चीज़ को टाइप कर देंगे, अदरवाइज ऑल कैटेगरीज यहाँ से आप पिक कर सकते हैं, वैरायटीज ऑफ चीज़ आएंगे। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, डिटॉल हैंड वॉश। देखिए यहाँ इतने सारे डिटॉल हैंड वॉश के आईडी जनरेट हो जा रहे हैं, किसी एक पे भी आप क्लिक कर लीजिए। डिटॉल हैंड वॉश की जगह लिक्विड हैंड वॉश आया। इसी तरीके से आप अपना सर्च कर सकते हैं इसमें मल्टीपल चीज। ये देखिए, जैसे जैसे नीचे जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के आपको शो करेंगे। कोई एक एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, मान के चलिए ये फोर्स वन टेबल टॉप डिस्पेंसर 250 ml लिक्विड का है, ठीक है। अब इसको हमने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद ये चीज का ध्यान रखिए, जब आप अपने आईडी पर लॉगिन रहेंगे, जैसे कि मैं लॉगिन हूं मेरे आईडी पे, तो आपको यहां एक विजिबल शो करेगा, सेल दिस आइटम, ठीक है। जब ये सेल दिस आइटम पे आप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके आईडी से मर्ज हो जाएगा, और इसमें चाहे तो आप कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर से एक बार देखेंगे, इस प्रोडक्ट पे आने के बाद सबसे पहले अपने लॉगिन में आईडी करेंगे, मार्केट में जाएंगे, मार्केट में जाने के बाद आपको ऑल कैटेगरीज करके आ जाएगा। इसमें आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी क्रेडिट प्रोडक्ट पे आप काम करना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट को यहाँ पे टाइप करेंगे। प्रोडक्ट टाइप करने के बाद आपके बंच ऑफ प्रोडक्ट्स आएंगे, जो भी आपको सूटेबल लगेगा अपने प्रोडक्ट्स में से उसे पिक कर लेंगे। उसको क्लिक करने के बाद आपको उसका ब्राउजिंग पेज ओपन हो जाएगा। ब्राउजिंग पेज ओपन होने के साथ साथ आप यहां वापस से, फिर मैं आपको फोकस कर रहा हूं, सेल दिस आइटम, जब तक ये नहीं खुले तो आप समझिए कि आप प्रॉपर साइट पे नहीं है। ये जैसे ही खुलने लगेगा, चाहे कोई सा भी ब्रांड हो, आप यहां से काम कर सकते हैं। सेल दिस आइटम को अगर मैंने क्लिक किया, ये देखिए, तो ऑटोमेटिकली ये उसी पेज पे आ जाएगा जहां हम कोई भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये इस चीज से फेच कर लेगा जो कि कैटलॉग में शो कर रहा है। अब यहां देखें, यहां एक और आपको डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें लिखा है, अ जेम कैटलॉग एग्जिस्ट विद दिस जेम कैटलॉग आईडी, डू यू वांट टू पेयर विथ इट। आप इसे पेयर करना चाहते हैं, मतलब सेम
प्रोडक्ट को, सेम स्पेसिफिकेशन को आप कॉपी करके प्रोसीड करना चाहते हैं, तो यहां आप कर देंगे ओके। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि ओके करने के बाद ऑटोमेटिकली ये उसी पेज पे आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन संजो की बात यह है कि इसमें कोई ऑथराइजेशन नंबर वगैरह नहीं मांग रहा है, ना ऑथराइजेशन ये डेट या टाइम मांग रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट ही पब्लिश कर सकते हैं यहाँ से। ये एक शॉर्टकट मेथड है जिसके माध्यम से आप किसी भी प्रोडक्ट को आप अपने वेब पेज पे, अपने जेम के पोर्टल पे, अपने आईडी पे पेयर करके उसको सेल कर सकते हैं। तो खैर फिलहाल इस वाले वीडियो में तो मैं पेयर करना आपको दिखा रहा हूँ, इसके नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा कि कैसे ऑथराइजेशन आप लगा के अपने एंड से आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं स्पेसिफिकेशन सारा का सारा एज इट इज़ रह गया, जनरल इन्फॉर्मेशन में एज इट इज़ रह गया, कैटलॉग इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ रह गया, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन एज इट इज़, अपलोड इमेज एज इट इज़। अब यहाँ केवल आपको ऑफरिंग क्वांटिटी एंड प्राइस पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेलिंग एज अ प्रोडक्ट, सेलिंग प्रोडक्ट एज अ रिसेलर, तो हम रिसेलर हैं तो एज अ रिसेलर ही सेल करेंगे, मतलब जो प्रोडक्ट है उसको वापस हम सेल करें, ठीक है। यहाँ आपको डालना होगा कंट्री ऑफ ओरिजिन, जैसे कि इंडिया हुआ तो इंडिया, यहाँ मैं कंट्री ऑफ ओरिजिन में इंडिया मैंने क्लिक किया, ये देखिए, ठीक है। और भी कोई कंट्री ऑफ ओरिजिन का यहाँ बेसिकली मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है, क्या इंडिया की, जैसे कि मैं अगर मान के चलता हूँ MI की मोबाइल अगर कोई आता है और इस लिस्ट में है, तो वहाँ आपको देना पड़ेगा ये कहाँ के है, चाइना में मेड इन लाइक ओरिजिन चाइना है, जापान है, वो भी मैं आपको अगले अगले वीडियो में शेयर करूँगा और बताऊँगा। जैसा कि आप एक एग्जांपल देख रहे हैं कि यहाँ MRP लिया हुआ है 99 रुपीज़, ठीक है। अब आपको MRP अपना जो ऑफर प्राइस है लेस देन 10% के अप्रॉक्स रखना पड़ेगा, ये कुछ बेसिक मैंडेटरी है जेम के द्वारा। जैसे कि मान के चलिए मैंने रखा 80, अब ये देखते हैं कि लेस देन 10% है, हाँ ये 19%, लेस देन 90% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, मतलब 99 रुपया का 19.19% कम है, तो ये वैलिड है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा भी देता हूँ, ये हो गया 14%, मान के चलिए और कर देता हूँ इसको 90 करता हूँ, 90 करके देखें ये हो गया 9। देखिए ऑफर प्राइस यहाँ ऑटोमेटिकली दे रहा है, और ऑफर प्राइस नीड्स टू बी एट लीस्ट 10% लोअर देन द MRP, तो हम इस प्राइस को और कम कर सकते हैं, जैसे कि 86 मान के चलिए, तो देखिए 13%, तो ये वैलिडेबल है, ठीक है। अब इसके बाद आप चाहें जिस स्टेट में सेल करना, जैसे कि मेरा एक एग्जांपल लेता हूँ बिहार, ये पर्टिकुलर इसी स्टेट में आप सेल कर पाएंगे, अदरवाइज आप चाहें तो पैन इंडिया जहाँ जहाँ जिस स्टेट को आप कन्फिगर करना चाहें वहाँ क्लिक कर लें, जैसे पंजाब है तो पंजाब को मैंने क्लिक किया, फिर चाहो तो रिमूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद चाहे तो पर्टिकुलर आप डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल सकते हैं, और कोई नहीं भी दें तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब ये एक और सबसे आखिरी में यहाँ इसके नीचे आता है कि करंट स्टॉक मैक्सिमम क्वांटिटी अभी कितना है, मान के चलिए मैं 100 डालता हूँ। मिनिमम क्वांटिटी मतलब यहाँ ये हुआ कि आप एक से अधिक जो है सो कितना सप्लाई कर सकते हैं, मान के चलिए मैंने 2 दिया, और फिर लीड टाइम फॉर डायरेक्ट परचेज, अब यहाँ क्या डालना है, इन्होंने ऑलरेडी रेंज डाल रखा है 1 से 15 दिन, मतलब 1 से 15 दिन तक आप इनको सप्लाई दे पाएंगे, है ना। तो मान के चलिए मैंने 10 दिन मैक्सिमम टाइम लेके अपने पास रखना चाहिए, है ना। इसके बाद ये आपका था आई हियर बाय अंडरटेक एक वेरिफिकेशन का आता है, आप इसको ओके यहाँ कैंसिल करके, ठीक है, और इसके बाद सेव एंड प्रोसेस कर लीजिए, ओके। अब जैसे देखिए, अब यहाँ आपको एक पब्लिश का ये बटन आएगा, थोड़ा देर इंतज़ार करिए तो आएगा, अदरवाइज इस बटन को आप क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इंतज़ार करिए, ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा आपका डिक्लेरेशन, आई हैव रेड एंड एग्री टू ऑल टर्म एंड कंडीशन, ठीक है। इसको यहाँ टिक करने के बाद आप पब्लिश कर देंगे, ओके। अगर और कोई मेन्यू ऐड करना चाहते हैं तो अपलोड अनदर प्रोडक्ट्स करेंगे, नहीं तो डैशबोर्ड पे हम जाएंगे डायरेक्ट। अब हम देखेंगे कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो पब्लिश हुआ है या नहीं, जैसे कि मेरा ऑलरेडी ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स में मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये जैसे नोटिफिकेशन है, इन्वेंट्री नोटिफाइड है, डिसकंटिन्यूड है, नोटिफाइड प्रोडक्ट्स है, पब्लिश है, वेटिंग फॉर एडमिन क्लियरेंस,
तो जैसा कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हमने जो प्रोडक्ट डाला है यहाँ दिया हुआ है कि वेटिंग फॉर एडमिन क्लियरेंस। एडमिन क्लियर करेंगे मतलब जेम के पोर्टल के थ्रू, तो ऑटोमेटिकली आपका ये पब्लिश हो जाएगा, है ना। तो जेम जो क्लियर करेंगे, देखिए यहाँ है, जैसे कि मैंने इससे पहले कार्टिज का भी डाल रखा है, तो यहाँ जेम के थ्रू अप्रूवल में थोड़ा सा समय लगेगा, देन वापस पब्लिश होने के बाद ये आपको पब्लिश सेक्शन में इस तरीके का दिखना चालू हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ऑलरेडी पब्लिश हो रखे हैं, है ना। तो इसी तरीके से आपके प्रोडक्ट्स भी पब्लिश हो जाएंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ, अगर आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है तो उसको ऑथराइजेशन कैसे लिया जाए, है ना, और उसको कैसे प्रोसीड किया जाए ताकि आपको जेम में अच्छे से अच्छे ऑर्डर मिल सके। थैंक यू।